सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को और ये बेल का आइकन बजा दीजिएगा जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आज हम बात करने जा रहे हैं नैंड्रोलिन डेकोनेट के बारे में, जो कि इसको डेकाड्रोलिन के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका जो साइड इफ़ेक्ट है वो हम पहले बता दें आपको, ये बहुत ही डेंजरस साइड इफ़ेक्ट है, पूरे शरीर में बाल हो जाता है, चेहरा वगैरह सब पे हो जाएगा बाल। तो वैसा कंडीशन में क्या करना चाहिए, इस विषय में हम पूरी तरह से जानकारी देंगे आपको, तो बने रहिएगा हमारे साथ, वीडियो अंत तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नैंड्रोलिन डेकोनेट जो है एक तरह को दिया जाता है जो कि एकदम लाचार हो और उनको चलने फिरने में बहुत परेशानी हो रही हो, या फिर मान लीजिए उनको घुटने में दर्द रहता हो, या फिर बॉडी बनाने वाले जो जिम जाते हैं, जो बॉडी बनाना चाहते हैं वो लोग इस्तेमाल होता है बहुत सारे जगह पे, जैसे सेक्स में प्रॉब्लम हो रहा हो या फिर शीघ्र पतन वगैरह का प्रॉब्लम हो रहा हो, तो इस तरह का स्वप्न दोष वगैरह होता है, तो ऐसा कंडीशन में नैंड्रोलिन डेकोनेट लिया जाता है। इस तरह का मतलब ये एक तरह का स्टेरॉयड है जो कि बहुत ज़्यादा लेना उचित नहीं होता है। ये 50 mg का, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो 50 mg का जो है वो इंजेक्शन 15 दिन पे एक बार पड़ता है, ये डेली लिया नहीं जा सकता है। और इसका जो है साइड इफ़ेक्ट तो बता ही चुके, बहुत ही घातक है और ये बहुत तरह का इफ़ेक्ट आ सकता है, आपको प्रॉब्लम आ सकता है, तो इसका इस्तेमाल बहुत ही कम से कम किया जाता है। इसका दो तरह का आता है, एक 25 mg का, एक 50 mg का। 25 mg का भी हम आपको दिखाएँगे अभी, इसका दाम पहले देख लेते हैं, 268 रुपया है, ठीक है। ऐश्वर्या कंपनी का ये बना हुआ है, इस तरह का रहता है ये, जैसा कि आप देख सकते हैं, इस तरह का 1 ml रहेगा इसमें इंजेक्शन, और इसके साथ सिरिंज फ्री में आता है। इसके साथ सिरिंज क्यों दिया जाता है, क्योंकि इसका नीडल जो है बहुत मोटा रहता है, क्योंकि ये जो जो दवा रहता है ना वो बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा होता है, तो नॉर्मल सिरिंज से इसको खींचा नहीं जा सकता, इसी के लिए ये दिया जाता है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर रेड लाइन है, तो रेड लाइन के बारे में आपको पता ही होगा कि क्यों रेड लाइन है, अगर नहीं पता है तो कमेंट कीजिएगा, हम बता देंगे आपको अगले वीडियो में। तो हम ये तो देख लीजिए 50 mg का, हम लोग 25 mg का देख लेते हैं। तो ये देखिए 25 mg का है, ये नैंड्रोलिन डेकोनेट यहाँ पर लिखा हुआ है, तो डीडी नीर 25 mg इसका नाम हो गया, लेकिन जो कि डोकाड्रोलिन के नाम से भी आता है। और ये जो इंजेक्शन है ना वो सिर्फ आप IM ले सकते हैं, मतलब मांस में ही लेना होता है, ये नस में बिल्कुल भी नहीं लीजिएगा, भूल कर भी नहीं। और ये भी 1 ml का ही आता है, जैसा कि देख सकते हैं, इसके साथ भी सिरिंज मिलता है, इसका दाम कुछ कम है उससे, ये जो है वो 147 रुपये का है। और इसको जो है ना आप 1 सप्ताह में एक बार ले सकते हैं, 50 mg वाले को 15 दिन पे, और जो ये 25 mg का है वो 1 सप्ताह पर एक बार ले सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा आप हमको ज़रूर बताइएगा, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।